आवे आवे नारे की बर।
एक गल शामस्ताना बलोचिस्तानी जी कोले भी पहुंची कि आ घटना अज घटी है। तो जिथे उस बरात ने जाना सी उस लड़की का नंगना पहले गदराने होया सी आ। उन्होंने माँ प्यो ने उतों नंगना छड़ा के साढ़े पिंड उस मुंडे ना करता, वो मुंडे की मौत हो गई। आखिर उस कुड़ी का संयोग उत्थे जिथे पहले किया उत्थे गई पंचायत उत्थे किया। तो संयोगों की गल है तो उत्थे फिर इन्होंने शब्द बनाया कि भरोसा इस दम का करें दम आवे आवे ना आवे। उकयाली मस्ताना शाह बलोचिस्तान जी अपने आए हुए थे डेरे के बच्चे उत्थे ना प्रेमियों ने जेडे कबीरा गाँवे मौके की कहानी देख के शब्द बनाया कि बाकी ठीक है हकीकत है पानी वाले बुलबुले की मनियाद है बंदे की कोई मनियाद नहीं। पता नहीं कदों टाइम आ जाए एवं आप मेरी मेरी करते फिरते हाँ पता नहीं कदों झपट बाजे कदों मालक के घरों हुक्म हो जाए। बाबा जी फरमाया करते शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी भी दो टाइम याद रखो मौत ने आना है आना है आना है अति भगती है जे याद रखेंगे तो कोई ऐ पाप नहीं करेंगे। तो सिमरन से दो टाइम जरूर बैठा करो ये मान्यता बैठना नहीं पर जबरदस्ती लड़ाई करके बिठाना पैना है। जरूर बिठाओ दो टाइम जरूर बिठाओ। सिमरन ही सहाई है होर कोई नहीं और सब दुनिया के धंधे कम इतने रह जाएंगे कोई नाल नहीं जाता। हाँ जी हाँ भाई मस्ताना बलोचिस्तान जी अपने पिंड च आए उधर नहर पानी आया पहली बार नहर पट्टियां पहले सब इलाके बलानी होते थे नहर के पानी उधर आया जिदन बाबा जी अपने पिंड च आए कुकियां डेरा सारे पिंड तो बार बार आता कि हुण डेरा पिंड के बचाले आ गया इतनी दुनिया बढ़ गई। इतना चा सी डेरे के खीर बनती कड़ा हलवा बनता बड़ी बाबे की मौत सी इन्ना इन्ना दिंदे मस्ताना जी टुकड़ तो नारे लवाते मिर्चा कराओ भी इन्होंने मिर्चा कराओ छोटे छोटे जवाक खाण पीन के बारे भज के बढ़ जाते थे उदो होर की पता सी बस खाण पीन का लाभ चलता है जवाकों को। हाँ जी धन धन सतगुरु कहता जी मैं साढ़े एक रिश्तेदार जी नौजवान मुंडा खत्म हो गया उस सा सारा परिवार आ रहा है तो मैं जाना उ पाणजा तो दो भैन रह गया जो आ रहे थे आज सवेर की गल है तो एक्सीडेंट हो गया बस चले आ गए उसकी भैन खत्म हो गई है जी अज की गल है कोई भरोसा है आज कि कमरे से तो मिनट से पता नहीं की हो जाए एक कदम चकीए दूजे कदम की आस नहीं भी चकेंगे ना चकेंगे असि बड़े बड़े दावे करते हैं पता नहीं कदों टाइम आ जाए। सिमरन एक मिनट ना छो एक मिनट ना छो सिमरन ही सहारी है इतने रहना झूठ से जाना सच है। हाँ जी जो धन सतगुरु तेरा आसरा धन है तेरा नाम जंगल में मंगल तू करे मेरे प्रभु संतों के न्यारे
औगुण हारे की बेनती मैं साहिबा सुनो गरीब निवार ये हम पूत को पूत हम सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे पिंड सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की Oh,
पातशाही महाराज गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है कि फरमाते हैं कहते श्वास श्वास सिमरनो श्वास श्वास सिमरो जन्म जन्म की जी मैल है सिमरन करने ही उतरूगी सिमरन करने ही सारे मसले हल हो गए। असि बेचैन क्यों आई फिरते हैं असि संतान ने दस्या हुआ सिमरन नहीं कर रही मनते मजायद हो गए असि इधर उधर फिरते हैं डोल जाने पटक जाने सिमरन छड़ के बह जाने होर पासे फिर जाने ये दुख सुख गरीबी अमीरी है शरीर से जिन्ना चक्कर असं जिवांगे उन्ना चक्कर आउंदियां रहणगियां बीमारियां भी आउणगियां गरीबियां भी आउणगियां हरेक चीज़ों का सानू मुश्किलों का सामना करना पैना है पर सिमरन ना छड्डो संतां ने दस्या हुआ सिमरन है श्वास श्वास से सिमरन अपने गुण गा लो श्वास श्वास से फिर गल बनूगी सिमरन का ही फिर पता लगता है मन के साथ लड़ाई करके सिमरन करो फिर पता लगता है प्रेमी को भी पता लगता है गैर प्रेमियों का पता नहीं भी ये मन कहता की है क्योंकि असं अधीन हाँ भी सब कुछ और अधीन ही कम करते हैं संतों की शर्म के बचा के सू पता लगता भी मन साढ़े से कि औकड़ा पाँदा है तो संतों का दस्या हुआ सिमरन बई एक मिनट भी ना छोड़ो चलते फिरते सुनते जाते जवान से 24 घंटे अपने मालक का सिमरन रहे बस आप कहने गुरमुख गुरमुख उसमें आख्या कहता जो 24 घंटे अपने गुरु का नाम जपे गुरु गुरु करे उसू गुरमुख आख्या जाता है। बाकी असी सारे मनमुख हाँ मन के कहे तो चलते हैं मन के कहे तो खाते पीते हैं मन के कहे तो सुनते उठते हैं मन के कहे असी भक्ति करते हैं गुरमुख जो प्यारे हैं गए अपनी मालक की रजा से राजी रहते हैं गरीबी आ जाए अमीरी आ जाए वो रजा है बाहर नहीं आते भगती के जिन्हिया मुश्किल आदियां जिन्हिया औकड़ा आदि भगती चाहिए भगतों से आदि बाकी नहीं आ जड़े पूरे फकीर के सेवादार न प्रेमी न वो कदे नहीं डोलते वो मालक के सारे कम करते हैं कि यह मालक तेरी मौज है राजी रख खुशी रख तेरा नाम नहीं असं छना हाँ जी वाली जी तैनू ज्यों पावे त्यों रख ले हम सर प्रभ आए राम तैनू ज्यों पावे त्यों रख ले हम सर प्रभ आए राम तैनू ज्यों पावे त्यों पढ़ता जो मैंने मिले मैं तो कई बार स्नेह भेजा है मैं बई अपने की ना मनोरी मैं मनोर कहते रहते मैं भी उन्होंने एक बार जरूर बुलाओ मैं इन्होंने घर भी जाके आया ये मम्मी जी डीसी रोंदी सी मैं कमलिए तू दस सू तो लाशा दिनी है
परसों से जाके आया कालाली सारे प्रेमी तीन चार साल तो कह रहे थे कालाली के प्रेमी सारे प्रेमी से जाके आए बड़ा अच्छा ये शब्द गाँवते हैं सैकटरी साहब इन्होंने भी थोड़ा टाइम देना चाहो वो बिछड़िया मेल ला वो ऐसा सतगुर सुनीदा बिछड़िया मेल ला अभी देख लो भाई मैनेजर साहब जी ने सानू अगे गरीबी अमीरी वो मालक की दात है सब तो मेरे जिन्ना बीमार कोई नहीं डॉक्टर ने जवाब देता मैंने साहब ने कहा हथ बन के भजन के करते अखीर वाले दिन कहने तू नहीं बचता हथ बने जगमाल वाली बग जा बस मैंने साहब का वचन पूरा हो गया नहीं तो पता नहीं किथे किथे फिरते मैनेजर साहब ने सुपने के कर्म कटाए बीमार बीमारी करके कर्म कटाए उन्होंने मेहर अब गुरमुख प्यारे ने असं दर्शन करी जाने मैंने साहब की मौज है उन्होंने दया है बड़े दयालु बड़े कृपालू बड़े रहम दिल मैनेजर साहब जी उन्होंने बड़ी रहम की सब से तंदुरुस्त कोई नहीं आया सारे बीमारियों ने मारे मैंने साहब ने बला बीमार कर करके बुलाया सारे ने बीमार कर करके सारे खसी खसी कर करके बुलाए सारे ने मैनेजर साहब की मेहर सी ऐ नहीं कोई आता है जी अगर आता कि लेना बई बाली भी बीमार सी मैं भी बीमार सी सारे बीमार ही उठे हुए थे सारा टोला ही बीमारा कट्ठा हो होम्योपैथिक दवाई दवाया करते मैंने साई अंग्रेजी दवाई नहीं देने देने से जो बीमार हो जाते तो दसांदा होता सी पतीले चबाल देंगे दे एक एक कप सारे पिया करते अंग्रेजी दवाई नहीं देंगे गर्मी का महीने जमैन पाया करते सारे चौड़े के जमैन पा के धुप्पे रख देंगे पानी पा के सारा दिन पै रहा तड़के सवेरे वो रगड़ते रगड़ के उतों तो नकार के करके छिलका जा सवेरे सारे डेरे गिलास सारों में पाते जमैन देसी दवाई मैंने सही दें सादेपण रखते केंद्र जोड़ा रात को भुखा खाऊगा तो सवेरे भुखा उठूगा वो तो मालक की रहमत दस हथ है सतगुर जी वो तो दया तो नज़र सतगुर से भुखा सौवे तो भुखा सवेरे उठे सिमरन करो पेट भर के जो सौ जाने फिर सानू अपने आप की होश नहीं दें हाँ जी बंता सिंह अभी मैं तो कंधा कढ़ा के आया करता जलार ने जो बादल लिया करता मेरे कंधे खुब जाते फिर मैं सैकल के कंधे कढ़ा के आया करता इस प्रेमी तो क्यों भाई हाँ जी ये कंधा कढ़ना सीना बड़ा प्रेमी है इन्होंने कंधा कढ़िया सारा मस्ताना के नाम लिया जी इन्होंने पिंड चला लेना बैठो इन्होंने कई कंडा कटिया सारा भी कंडा कटिया हाँ जी हाँ जी सारे सहन सारे प्यारे ने बी और जिमें कहते मरासी का मुंडा आराम जी रहूगा भाई सहन शाह के जेडे बच्चे है सेवादार है उन्होंने तो कम करने हैं बी कबीर को पर राम को मुतिया मेरा कबीर Thank you.
फिर करनैल सिंह भी कई दिन तो आया है ना तो भी आम साढ़े छोटे छोटे टाइम सारा और यही तो अपने रात में तो मैं मिले सक नाम रहा रात में बी हाँ जी वाह 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 डेरे के बच्च जो सेवा चल रही थी बाबा के टाइम सिमट नहीं मिलता सीगा भी सिमट नहीं मिलता कहते जी नसबंदी करते है ये दस पहले सिमट दे देंगे एक बंदे की नसबंदी होगी एक फिर कहते किमें करिए घंटी बजाने सी तो संगत सारी कट्ठी हो रही थी कि दस पहले मिले तो मैं जी फिर असं तो बथेरे आएंगे चलो दस दस बंदे सामने पे जाए करो सिमट बिछरा दूगा ये साड़ी नसबंदी करा दो तो मैंने कहा फरमाया थोड़ी देर नसबंदी हो ही है कहते थोड़ी देर नसबंदी होगी कहते है जी मैंने साहब की मेहर सी उन्होंने वचन करता भी नसबंदी थोड़ी हो ही है चिट्ठिया आई मैंने साहब कहने भी आप चिट्ठी चौधरी साहब ने देखा पहले चिट्ठिया नहीं आनिया चौधरी ख्याली हम रामपुरी वाले चिट्ठी दिखी उन्हें पाल के बच्चों कभी कहीं पढ़ लगे मैं लफाफा जहाँ पढ़ के खड़ गया वो पिछों बाबा जी भी आ गए मैंने सही कहते वाह भाई वाह तू तो बड़ा पढ़ाकू है कमाल है जी मैं तो सोचा सुकूल जी नहीं कि गया सतगुर से होना चाहता लिया फिर मैं पांच अखर रोज सीख लिया करा ना रोटियां रोटियां पकाया करा मेरी पांच अखर रोज पके कर लिया करा बस बाबा जा फटे फटे अखर पढ़न लग गया एक बार वो पंद्रह पैसे वाला कार्ड पीला जहा वो आया उसे सिमट लिखा हो यानी कि बाबा जी को डाक आई मोटा मोटा पढ़ लिया फिर चौधरी साहब ने पढ़ लिया कोई समझ ना आई तो वो भंडारा सीगा दो फ्रैल का वो पत्थर जा जेड़े खाँदा खाँदा लंगर जा गया मैं भी यह चक देखी गया मैं यार ये तो सीमेंट की चिट्ठी लगती है दो अखर समझ आ गए मेरे मैं जी तो सीमेंट की चिट्ठी है वो देखा कि हाँ भी सीमेंट की है फिर ट्रैक्टर भेजा पंजा थे सीमेंट के सरसे में लिया मैंने सही कहते भी ये पढ़िया कि नहीं अगे जी चंद ने पढ़िया अभी वो तो अनपढ़ सारा ही मैंने सर का बचन सी ना बड़ा पढ़ाकू है देखो बचन मैंने सर का पूरा होया देखो दो अखर मेरे समझ आ गए सीमेंट होर नहीं मैंने पिन की लिखाई का हूँ भी नहीं पता लगता आ बड़े बड़े अखर तो पढ़ लेना पिन की लिखाई जाने जो पिन की लिखाई दो अखर समझ आ गए पंजा साल सीमेंट के सस्ते लिया मैनेजर साहब जी सारा करोड़े से कमले कोलों को उन्होंने अपना बाजा बजाया उत्थे ना कोई चतराइया अगल कम कम कर दी ना अगला कम कर दी ना कोई पढ़ाइया कम कर दी है उन्होंने संतान की मेहर उन्होंने दिया टुटे फुटे उन्होंने जिमें भी किया सारे ने वचन मने मने साई ने उन्होंने हुकूमत फुल चढ़ाए अब बल्ले बल्ले सारे मने साई की रचना इतने भी आ फुलवाड़ी मैनेजर साहब जी है जगमाली भी मैनेजर साहब का सारी संगत दया मेहर का सिर से हाथ है जिथे भी जाओ मैनेजर साहब की मेहर है जोड़ा उन्होंने ना से बैठा है वो लाज रखता है अपने भक्तों की आप लाज रखता है चाहे किमें कमला बोला बोल दिए वो सतगुरु आपे लाज रखता है बस आपे लाज रखता है हूँ जो आप किसी की तस्वीर या फोटो पाड़ दिए तो लोग मुद्दा ठा लेंगे भी किताब पाड़ती फोटो पाड़ती धरने धरने दे के बह जाते हैं तो मैनेजर साहब के टाइम साढ़े जगमाला चिक प्रेमण से बड़ी भक्त ने उन्होंने छोटो कहते सी कमली भी कहने से उन्होंने वो पेके जला लाने से वो जो दुध रिड़किया करे तो रिड़कना टुट जाया करे जगमारा पिंड बहुत बड़ा है रिड़कने उन्हें पांच सत्त पिंड चो भी ले लिया के पंखे फिर डेरे आने लग गई दो चार रिड़कने मैं भी देती उसको शिवरात्रि सी अभी गन्ने बेचन गए मेरे थोड़ी उंगलों खराब हो गई कहते बाबे कहते गन्ने बेच के आया था जो सड़क के कोल नहीं लंघे का छोटो सड़क से खड़ी है कि भाई चाह पीते बगैर नहीं जाने की सानू अंदर लै गई अंदर गए तो कच्ची जी कोठड़ी है तो मदानी टुटी पई है तो बक्षियां टिड़कदियाँ तो रिड़कना फुटिया पे मैं क्या की गल कि भाई वही गल जो घ्यो आ जाता है रिड़कने दो हो जाते मैं जो अंदर पढ़ के देखा तो फोटो है नहीं लालकृष्ण देवी देवता दिया उन्हें कोई देवता नहीं छड़ा सारे अंदर बंद कर रखे मैं क्या भी तू देवी देवता का रूप बन जानी है जो तेरा घ्यो बन जाता तू इन्हों का रूप बन जानी है तो तेरे रिड़कने फुटते हैं क्या फिर किमें करिए मैं क्या फोटो सारिया पढ़ के चूल्हे सिर दे मैं भी जूठ खान तंग कर लिया उन्हें भी मूढ़ा पिया बहर जूठ मूढ़ा ला के सारिया पाड़ पाड़ के सियाल का दिन सी चूल्हे सारिया ठोकियां कोई नहीं बोलिया तो मैनेजर साहब की मेहर सी
कोई नहीं बोलिया। हूं तुम किसी की फोटो पाड़ के देख लो जो तुम गांध ना को घेर देगा। मेहर सी बाबा जी दी ते मैं क्या मुड़के रिड़कना फुट जाए तू मैं चंद रहा आखी मुड़के रिड़कना कोई नहीं फुटिया होगा रिड़कना नहीं फुटिया। ये फोटो भी सारिया पार पड़ा सिट क्यों नहीं जो मैंने तो सारी मेहर सी किसी ने कदम नहीं उठाया। बाबा जी मैंने आके लड़े दे रहे तू आ की पला कर मैं तुम जाओ थोड़ा कम जाने मैं कर और सारा बाबा जी ने संभालिया काम असी तो मुख्याल से डरा मारते थे बाबा जी आपे संभाल है जी। ये मिनज साहब जी मेहर सी कमले बोले तो सेवा लई पशुआ वर्गे डंगर वर्गे बंदे सी पता ही कौन सी सुरजड़े गए थे जो हाँ सुरजड़े गए थे बाबा जी बैठे तो गुरदास जी ने रवीर जी ने हाँ जी कि बंदा से रघुवीर जी ते गुरदास जी एक दो जाने होर सीगे उत्थे उन्हां दा बहुत बड़ा पीर सीगा पीर सीगा हाँ जी उत्थे मेला लगदा सीगा पता नहीं किन्ने हजारां मतलब बकरे कतल करदे सीगे उत्थे कड़ाहे बड़े बड़े रखे हुए सी। हाँ जी हाँ जी रघुवीर जी हुण गए तां उत्थे देखिया उन्होंने कहते चलो भी देख के आइए हम गए तो उत्थे कुछ नहीं सीगा उत्थे बांस कढ़िया होया उन्हां दा एक उत्ते लीर लूर टंगिया हुई उन्होंने डब्बी भी उतों ही मिल गई माचिस उतों ही मिल गई कितने उन्होंने उन्होंने बचा था बांस जरा ना सारा फूक के आ गया। दूसरे दिन वो पिंड वाले इकट्ठ करके आ गए सारे दूसरे दिन जिस वे इकट्ठ करके आए तो कहते साडा पीर इन्होंने साड़िया बहुत गर्म होए हुए बहर बैठे तो रौला पौन बाबा जी कहते बैठो ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਨੇ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੀਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਮ ਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਮ ਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਰਥ ਸਾਈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਉਜੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੀਨਤਾ ਕੇ ਸਾਗਰ ਪੂਜੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧਰਤੀ ਨੱਚੇ ਅੰਬਰ ਨੱਚੇ
लचन दिल दिया तारा सतगुरु परगटिया धरती ते I'm gonna make you mine.
हरनाम कौर दी अखदा तारा प्यार ही वंडदा रहिंदा हरनाम कौर दी अखदा तारा प्यार ही वंडदा रहिंदा की प्यार ही वंडदा रहिंदा नुकर सतिया टाटंदा ओ पैंदा फुल बन जाओ पैंदा नुकर सतिया टाटंदा ओ फुल बन जाओ पैंदा फुल बन जाओ पैंदा ओ पूरा करिए नारा सतगुरु आप नूं भी भार के कम करवाउंदा है
ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ, ਚਮਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਵੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਬਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਦਵੇ ਅਤੇ 10 ਦਵੇ ਵਿਚਲਾ ਮਰੋੜਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰੋੜਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਮੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਚੂਕ, ਅਸੀਂ ਚੂਕਾਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸਰਾਮ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸ਼ਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ 1300 ਮੁਣ ਬਾਜਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦੀਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਜੋ ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫੋਲ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਐ ਬਾਂਵਾਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਗੁਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਸੋਣਿਆ ਮੈਂ
Thank you.
ਆਖੋ ਬਈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਟੇਪ ਚ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੀਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੁਕਮਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨਤਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੀਨਤਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਦੀਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਨਤਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਨਤਾ ਭਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੁਕਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੜਫਦਾ ਬਥੇਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਨੋ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ ਟਾਈਮ ਬਈ ਵਾਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀਰਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਾਜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਗਮਾਰ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਤਪੁਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਰਾਜ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਵੋ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚਿਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਮੂਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਚੂਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਤੇ ਫੜਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਦਿਲਚਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜੇ ਉਹ ਖਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੜਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਟੰਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜੇ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਭਜਨ ਹੋਊਗਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਲਾਬ 'ਚ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਲਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ
हासे के लिए पिया नहीं मिलता। यह तो जिंदगी मिटाना पैदा है, मुकाबला करना पैदा है, भुख प्या छनी पैदी है, नींद छनी पैदी है, हर एक पास मुकाबला रखना पैदा है, फिर ठीक होता है कम। हाँ जी मुझे सही कहते हैं बाबा जी का परिवार सारा बार विदेशा च रहा सब ने मिन्नत कर दिया बाबे कहते ना मुझे सही कदम बात नहीं गई थी। शाह मस्ताना जी भी कहते जिसने रब को बुलाना दिल्ली चले जाओ भाई, जिन्हें रब न बुलाना दिल्ली चले जाओ। हाँ जो दुकान शुरू शुरू चो मशहूरी करते हैं दुकान की उदो सारा कुछ करना पैदा, जो दुकान चल जाए फिर गाहक आपे दुकान से आता है, दुकानदार नहीं जाता चल के उठे। इन्हें सही फरमाया करते जी हूँ अपना डेरा बन गया है, आपे जीते ने सेवा आपे आऊगा, इतने सानू अगर दरवाजे से जाकर दरवाजा खड़काने की लोड़ नहीं है, जी नसीब है जी पुरानी भर्ती अपने आप अजे आऊगा। इतने कोई फौज भर्ती करनी है इन्हें सही फरमाया करते थे, ये तो अभी भर्ती वाले का काम है, पुरानी भक्ति है उन्हें अपने आप ही आ जाना चाहिए, किसी जंगल से बैठा है, बिया वन बैठा है, बाहर बैठा है। हाँ जी धन सतगुरु बाकी मिनेजर साहब का परिवार मिनेजर साहब का नाराज हो जाता सी, अपने परिवार से जाके कदे रोटी नहीं खाते थे, सारा राशन मिनेजर साहब डेरे चो लगाया करते जी, राजा जी ने पूछ के देखो तुम ऐसी खुली सी टंकी जी और हल्दी लून मिर्च मसाला फटकड़ी तो लैके भी रखते थे, नाल भी किसी कुछ से चोट लग जाए फटकड़ी बन देने से आदमी का दवाई नाल रखते थे, दुध डेरे चो लाते सत्संग आते जाते रहते दुध डेरे चो लाते थे। जो मैनेजर साहब जी वकील साहब को मजलस कर भेज दे काटो में कहते रोटियां पका दे भाई, वकील साहब जी मजलस कर जाएंगे तीन दिन लगनगे, दुध के आटा गुन के काटो रोटियां पका के वकील साहब ने दया कर दी सी मजलस करने वास्ते, कि बाहर की रोटी कितने नहीं खानी डेरे आके खानी। मैनेजर साहब जी ने सानू यह सिखाया सी, हुण असी मंदे मते हो रहे सारे आप मारे हो रहे हैं, हुण बगैर लगाम का घोड़ा किसे पासे भजा के लै जांदा साडा जिहड़ा मन है, हुण बगैर लगाम का घोड़ा बनया खड़ा है, हुण असी मालक के दरबार की मुंह दिखावांगे भाई, रोना आउंदा है, बड़े अफसोस की गल है, बड़ा दुख की गल है कि अपने असी बाप की शिक्षा से जो पुत चलू वह फायदा उठाऊंगा, जी असी बाप साडा आखी भी ऐ चलो असी ऐ चलो पर बाप की करूगा दुखी होकर जा हूँ बेदखल कर दूंगा भाई, डरावे दूंगा मैं तेन जमे नहीं दिता तेन पता नहीं दिता, दबके तो मारदा ही है ना प्यो का दिल दुखद, असी भजन सिमरन करो नाम जपो असूलों से कायम रहो फिर साडा पुरश खुश है। गुरबाणी कहती है तुम इधर चलो असि गुरबाणी के खिलाफ चलते हैं, संत महात्मा ने जो वचन लिखे उन्हें कोई नहीं चलता, खंड पाठ करा लें अस्तान पाठ करा लें पिछले शराबा से माच चलते हैं, दसो भाई कि जुलम करते हैं अभी, वो तो उदों भी ज्यादा सिर सखेर पा दी सी, ये कम नहीं करना, जितों तक हो गए थोड़ा कर लो कदम कदम तो पैर चक के चलो भी पैर थले कीड़ी भी ना आ रही मकौड़ा भी पैर थले ना आए सू बदला देना पैना है। हुण दुनिया की है अन्ने वाल जुलम करी जाती है, जहर भी खाई जाती है, तो हया भी करी जाती है, तो भुगती भी जाती है, हुण जिहड़ा आउंदा भजन की गल कोई नहीं कर लगा, दुखां दी पंड खोल के बह जाती है, यह दुख सुख गरीबी मेरी जो है सू भुगतनी पैनी है, सिमरन ना छोड़ो बस, सिमरन के नाल बंदे नूं पता नहीं पैंदा महसूस नहीं आउंदा। हाँ जी बिसर गई सब ताक पराई जब से संगत मोह पाई, बिसर गई